हाय एवरीवन, सोनाली बेकर्स एंड कुकिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सब केक देखने वाले हैं। आज फर्स्ट जिनका बर्थडे है पहले उनको विश करेंगे। राशि महिले को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बात, आज का हमारा जो केक है केसर ड्राई फ्रूट फ्लेवर का केक है, तो इसकी आइसिंग मैंने पहले से ही करके रखी थी, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो केक। और एक बात, ये हमारा डबल टीयर का केक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए गाइस, अभी देखते हैं हम हमारा केसर ड्राई फ्रूट का केक डबल टीयर का। इसको मैंने आइसिंग करके पहले से रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। अब इसकी आइसिंग करेंगे हम। आज के हमारा केक का कलर है स्किन टोन कलर, तो स्किन टोन कलर जेल कलर इसमें ऐड कर देने वाली हूँ मैं, थोड़ा सा ही इसमें जेल कलर ये है हमारा। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। कभी भी हम केक पे आइसिंग करेंगे ना, तो केक हमारी कभी भी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ होने से हमारी जो केक की फिनिशिंग है ना वो अच्छी आएगी, तो इसकी वजह से तो आप भी जरूर करना ऐसा। अभी केक की आइसिंग करेंगे। अभी मुझे क्या करना है ना, जो साइड का जो हमारा पार्ट है इस तरह इसका, तो वहां पे मुझे डिजाइन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, साइड में थोड़ी सी क्रीम, मैंने मुझे क्रीम कम ही लगानी है, तो ऊपर का पूरा कवर करेंगे अच्छे से क्रीम से, और साइड में थोड़ा सा ही लगाना है मुझे, सिर्फ बेस को कवर करना है, क्योंकि साइड में हमारे फ्रिल की डिजाइन आने वाली है, तो इसकी वजह से मुझे साइड में थोड़ा सा क्रीम कम ही चाहिए। ऊपर से इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। अब स्क्रबर से इसको केक को क्लीन करेंगे। अभी ये हमारा सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को भी मैंने आइसिंग करके रख दिया था फ्रिज में, तो इसकी भी आइसिंग करेंगे हम। ऊपर का भी कलर हमारा स्किन टोन कलर ही है। अभी क्रीम को अच्छे से स्मूथ करेंगे। अभी इसको भी अच्छे से आइसिंग कर लेनी है हमें। अब स्क्रबर से अच्छे से केक को क्लीन करेंगे। अभी दोनों भी केक हमारे आइसिंग हो गई है। अभी क्या करना है हमें, केक के ऊपर केक रखना है, तो बैलेंसिंग के लिए हमें इस तरह से स्टिक अंदर डालनी है, आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अभी केक के ऊपर केक रखना है हमें, ये हमारा नाइफ है, बिल्कुल इसे बीच में डालना है, और ये पैलेट नाइफ हमें बिल्कुल इसे नीचे डालनी है इस तरह से। अभी मैंने स्किन टोन कलर की क्रीम जो हमारी थी, तो उसी में मैंने व्हाइट क्रीम ली थी थोड़ी सी, तो अभी मैं थोड़ा मुझे लाइट शेड चाहिए ये पेटल्स बनाने के लिए। अभी नीचे के पूरे लेयर में हमें पेटल्स बनानी है। मैंने पेटल्स बनाने के लिए रोज का नोजल यूज किया है, अभी इसी से हम पेटल्स बनाएंगे केक पे पूरे इस तरह से। इस तरह से गाइस, अभी पूरे केक पे हमें पेटल्स निकाल लिए हैं। अभी क्या करेंगे, क्या करना है हमें, इसी नोजल से हमें नीचे भी बॉर्डर निकालनी है। अभी क्या करना है हमें, ऊपर का जो हमारा केक है थोड़ा सा वहां पे मिक्सअप डिजाइन निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मुझे डार्क शेड चाहिए,
तो इसी में मैं थोड़ा सा स्किन टोन कलर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए मुझे स्किन टोन कलर इस तरह से। अभी ऊपर के लेयर का थोड़ा सा मुझे शेड देना है, तो इससे मैं शेड दे रही हूँ केक पे इस तरह से बिल्कुल। इस तरह से गाइज मैंने एक डार्क शेड में और थोड़ा सा लाइट शेड में ऊपर मैंने शेड दे दिया है इस तरह से। अभी ऊपर टॉप पे हमें थोड़े से फ्लावर निकालने हैं रोज के, तो आइए देखते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरे इसे फ्लावर रखने हैं इस तरह से गाइज। अभी मैंने पूरे ऊपर और दो नीचे रख दिए फ्लावर। अभी इस नोजल पे थोड़ी और मुझे यहाँ पे डिजाइन निकालनी है, अभी वो निकालेंगे हम बिल्कुल हल्के से इस तरह से, थोड़ी ऊपर भी निकालेंगे। मैं केक पे क्या करने वाली हूँ, लीफ निकालना है मुझे, मैं व्हाइट क्रीम से ही लीफ निकालने वाली हूँ। तो ये पाइपिंग बैग है, पाइपिंग बैग को क्या करेंगे हम ऐसा वी कट शेप देंगे इस तरह से। हमें नोजल की यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें, इस तरह से वी कट दे दिया मैंने। अभी लीफ निकालेंगे केक पे इस तरह से। अभी नीचे भी हमें थोड़े लीफ निकालने हैं इस तरह से। अभी क्या करना है हमें, ये जो फ्लावर है सिर्फ फ्लावर पे हमें गोल्डन स्प्रे करना है इस तरह से थोड़े शाइनिंग के लिए। लाइट भी स्प्रे करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा शाइनिंग के लिए। अभी हमें क्या करना है, ये जो स्प्रिंकल है ना पूरे इसे साइड में लगाने हैं इस तरह से बिल्कुल इस तरह से केक पे। यहाँ पे बॉर्डर नहीं निकाली हमें हमने इसकी वजह से। तो रेडी है गाइस हमारा केसर ड्राई फ्रूट फ्लेवर का केक, डबल टीयर का केक हमारा फ्रिल विथ और रोज के साथ व्हाइट स्प्रिंकल के साथ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको केक कैसा लगा मेरा। थैंक यू सो मच।